फ्रेंड्स कैसे हो। चलो आई होप आप सब ठीक है। एक और पीसी लेके आया हूँ जो बजट 110,000 110,000 के अंदर ये एक अल्टीमेट पीसी है जिसके अंदर सब कंपोनेंट हमने कवर किया। मतलब इसके अंदर मॉनिटर भी है, कीबोर्ड माउस भी है, सब कुछ है। चलो स्टार्ट करते हैं मॉनिटर और एक्सेसरीज के साथ में। इसके अंदर जो मैंने मॉनिटर यूज किया गीगाबाइट का G24 एप सीरीज का मॉनिटर यूज किया है। काफी अच्छा मॉनिटर है जो 24 इंचेस 165 हर्ट्ज IPS पैनल के अंदर आने वाला अल्टीमेट एंड धासु मॉनिटर है। इसके साथ में हमने एंटी स्पॉट का एक कीबोर्ड और माउस हमने यूज किया है। एंटी स्पॉट का बजट मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, थोड़ा बहुत RGB लुक्स में काफी अच्छा है, जो 1200 रुपए के अंदर और क्या मिलेगा यार, काफी अच्छा कीबोर्ड एंड माउस है। तो ये एक पीसी है जो बैंगलोर में डिलीवरी होने वाला है एक कस्टमर के लिए, होम डिलीवरी करवाएंगे हम। इसके अंदर बजट को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मैंने गेम डियाज का यूज किया है, जो फ्रंट 2 फैन और बैक एक एग्जॉस्ट फैन के साथ में आता है। कस्टमर को उतना बजट नहीं करना था कैबिनेट के अंदर, 4000 के अंदर ये कैबिनेट यूज किया है, काफी अच्छा कैबिनेट है। इससे ज्यादा मैं इस कैबिनेट के अंदर क्या बोलूं, जो फ्रंट के अंदर आपको एक USB 3.0 जो टॉप पे बता रहा हूं और 2.0 के दो पोर्ट आ जाता है, ऑडियो जैक रहता है, उसके अलावा ये LED कलर्स को आप चेंज करने के लिए बटन भी रहता है। अगर आपका मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप इस बटन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको लाइट का इरिटेशन हो रहा है, यार मुझे लाइट्स दिखना ही नहीं है, ये एक बटन से ही आप लाइट्स पूरे ऑफ भी कर सकते हो। बाद में आपके मूड के हिसाब से आप कलर्स चेंज भी कर सकते हो। मतलब 4000 के अंदर यार ये पूरा आपको डिजर्व करता है इस तरह का केस। मदरबोर्ड आते हैं हम B550M Pro VDH Wi-Fi मदरबोर्ड, जो एक 10,800 के अंदर मिलने वाला मदरबोर्ड, 4 RAM स्लॉट, Wi-Fi, ब्लूटूथ, Gen 4 टेक्नोलॉजी वाला SSD वगैरह सब सपोर्ट करने वाला काफी अच्छा मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वाला प्रोसेसर लेते हो जैसे कि 5600G, तो ये मदरबोर्ड के अंदर काफी आपको एडिशनल फ्यूचर आप एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि डिस्प्ले पोर्ट आपको डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, HDMI कनेक्ट हो जाता है, और इसके अलावा भाई कंपनी ने पुराना टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एक VGA पोर्ट भी दिया है जिनके पुराने मदरबोर्ड्स मॉनिटर से इस मदरबोर्ड से यूज कर सको। लेकिन जब आप ये ग्राफिक कार्ड कोई भी अगर इसके अंदर यूज करोगे तो ये मदरबोर्ड के अंदर इंटीग्रेटेड वाले पोर्ट्स आपके डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप 5600G जैसा प्रोसेसर यूज करोगे, मतलब आपका बजट 110,000 नहीं, आपका 70,000 के अंदर बजट है, 40,000 का ग्राफिक कार्ड पूरा ही आप निकाल दो, तो भी आपको यही प्राइस रेंज के अंदर 5600G मिल जाता है। AMD ने काफी अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते हुए जिनको ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड जरूरत नहीं है उनके लिए ऐसा काम किया है, मुझे बहुत अच्छी चीज उनके ब्रांड की तरफ से ये पसंद आता। प्राइजेस यार काफी ड्रॉप किए हैं, 18,000 के अंदर 5600X मिल रहा है। पता नहीं ये वीडियो अपलोड हो तब तक क्या रेट रहे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के डेट के अंदर जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इसका प्राइस 18,000। मदरबोर्ड भी काफी अच्छा है। रैम मैंने इसके अंदर जो यूज किया है आप देख सकते हो, रैम और SSD दोनों एक ही ब्रांड का, XPG का आप देख सकते हो। रैम मैंने 8x2 का किट यूज किया जो 3200 MHz का RGB का D5060 सीरीज का यूज किया, काफी अच्छा लुक्स भी देता है, आप देख सकते हो साइड व्यू का। तो साइड व्यू में आप ये देख सकते हो। SSD मैंने इसके अंदर 512 GB का SSD यूज किया जो XPG की तरफ से आने वाला SSD जो भी इसके अंदर आती है वो विद हीटसिंक के अंदर आती है, क्यों, ये S5 सीरीज का बजट इकोनॉमिकल SSD जो 4000 के अंदर मिल जाती है। और रैम का रेट भी भाई बहुत धासु प्राइस है, 6000 रुपए के अंदर रैम RGB वाला किट मिल जाता है। भाई इस पीसी में सेकेंडरी स्टोरेज भी मैंने 2 TB का यूज किया जो 4100 रुपए के अंदर मिलता है, जो 7200 RPM का रहेगा। Seagate और WD ब्रांड में आप चूज कर सकते। भाई वीडियो में अगर कुछ वॉइस डिस्टर्बेंस या मेरे अंदर कोई भी अगर कमियां रहे तो प्लीज आप बता देना, थोड़े थोड़े करके हम इंप्रूव करेंगे। बैकग्राउंड के अंदर ये जो भी कैबिनेट्स वगैरह है ये थोड़े दिन के बाद में पूरे चेंज हो जाएंगे। मेरा गोडाउन का एक ऊपर और भी लोकेशन है, वहां पर पूरा शिफ्ट हो रहा है, वो भी गोडाउन का भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, और भी थोड़े बहुत दिनों के बाद में और भी अच्छे वीडियोस आएंगे। भाई मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम हो गया, पावर सप्लाई गीगावाट का 650 वाट्स का 80 प्लस ब्रॉन्ज रेट का यूज किया जो एक 3600 के अंदर मिल जाता है। भाई गीगावाट के पावर सप्लाई काफी अच्छे हैं, लोगों ने बोला है कि काफी खराब है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ काफी अच्छा है, क्योंकि अगर गीगावाट का कोई भी प्रोडक्ट ऑथेंटिक पार्टनर से लेते हो आपको 100% वारंटी मिलेगा। ये SMPS आपको 5 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी है। भाई आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है SMPS मैं रिप्लेसमेंट करवा के देता हूँ अगर मेरे से आपने खरीदा है। गीगावाट का पावर सप्लाई स्पेशली मैं बता रहा हूँ, EVGA का पावर सप्लाई बता रहा हूँ, डीपकूल का पावर सप्लाई बता रहा हूँ, एनी ब्रांड का PSU अगर मेरे स्टोर से आप लिया है, आपको ब्रांड सर्विस नहीं दे रहा है, आपका कुछ कंपोनेंट में उसकी वजह से खराबी आ रही है, सुपर कंप्यूटर लैपटॉप से अगर आप SCL गेमिंग से बिल्ड करते हो, हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी मैंने काफी अच्छा यूज किया, MSI का RTX 3060 गेमिंग X। हालांकि जिनका बजट 2000 रुपए तक कम है वो इनका वेंटस सीरीज का आता है वो भी ले सकते हो, लेकिन गेमिंग X खाली RGB लुक्स आप नहीं देख सकते हो, थोड़ा सा RGB लुक्स
उसके अलावा इसका जो थर्मल्स इतने अच्छे रहते हैं, अगर आप जीपीयू को ये स्टैंडर्ड ओवरक्लॉकिंग आप करते हो तो आपका ये जीपीयू झेल लेता है। और इसके अंदर टोरेक्स फैंस जो रहता है जो 4.0 टेक्नोलॉजी के न्यू वाले हैं, और ट्विन फेजर 8 ब्लेड्स का फैन रहता है। मतलब आप देख सकते हो जो ये फैंस रहेंगे ना, आप कंटिन्यूसली अगर आप चले, डस्ट बहुत कम लगता है। क्यों? ये फ्रेजर टेक्नोलॉजी इनका जो आता है ना, FROZR फ्रोजर टेक्नोलॉजी, कुछ भी बोल सकते हो, मैं मेरे लैंग्वेज में बताया, वो टेक्नोलॉजी वाले फैंस है ताकि आपका ग्राफिक कार्ड का लाइफ काफी ज्यादा आ सके। और गेमिंग एक्स सीरीज जो है ना MSI की काफी फेमस है, ये ड्यूल फैन के साथ में आता है जिसके अंदर आप 4-4 पोर्ट रहते हैं। आप देख सकते हो 3 DP पोर्ट और 1 HDMI पोर्ट रहता है बैक में, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो इजीली। अगर आपको 4-4 मॉनिटर कनेक्ट करना आप इससे कर सकते हो। नहीं, अगर आपको इंटीग्रेटर वेगा सीरीज का ब्राउजर लेते हो उसके हिसाब में भी इसमें काम हो जाता है। ये था भाई पीसी, और ऐसे ही एक्साइटिंग पीसीज के लिए यार मेरा चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में ये जरूर बताना यार हमारा काम कैसा चल रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर हमारे बिल्ड्स के सेटअप्स का थोड़ा चेंज होता रहेगा, आप प्लीज कमेंट्स में बताना यार क्या हम और इंप्रूव कर सकते। और भाई इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, ये पीसी अगर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी शिपिंग करवाना है, जब आपको बाई करना रहेगा उसी टाइम आप मुझे ये वीडियो का लिंक भेजो, उस टाइम का प्राइस कुछ ड्रॉप है, ड्रॉप कुछ हाइक है, हाइक मैं बता दूंगा। शॉर्टली हमारा वेबसाइट के अंदर इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, फुल्ली परफेक्ट आएगा तभी मेरा वेबसाइट को मैं प्रमोट करूंगा। तब तक डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप, कॉल, जब नीड है तब आप मैसेज करिए। उसके अलावा वेबसाइट से भी अगर आपको कुछ बाई करना है आप कर सकते हो, 100% आपको प्रोडक्ट डिलीवरी मिलेगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है आपको प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, आपसे ये नहीं है, जो भी रहता है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और आपके सजेशंस मुझे बिल्कुल चाहिए। तो भाई ये था पूरा पीसी बिल्ड जो 1,10,000 के अंदर विथ मॉनिटर एंड कीबोर्ड माउस सब मिला के। चलो अगर मॉनिटर कीबोर्ड माउस नहीं चाहिए आप 15,000-16,000 रुपए और कम कर सकते हो, मतलब 94,000-95,000 के अंदर ये पीसी बिल्ड बन जा। एक ही बात बताऊंगा यार भाई, आपका छोटा भाई हूँ, प्लीज सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, अगर करने वाले हो तो भी आप कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था आज का बिल्ड, और भी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहना।